जालौन जिले के उरई में स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक अमित किशोर ने जिले के आला अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक की। बता दिए बैठक विद्युत वितरण और अन्य विभिन्न बिंदुओं को लेकर हुई। बिजली चोरी पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल भी किया जाएगा। किस सिलसिले मीटिंग है आज? दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में जिला प्रशासन उरई और यहाँ के पुलिस अधीक्षक अन्य सीनियर अधिकारी सीडीओ साहब भी मेरे डायरेक्टर टेक्निकल। तो इसमें जो हमारा भी राजस्व का एक अभियान चल रहा है रेवेन्यू कलेक्शन का, उसमें इस जनपद में करीबन 940 करोड़ का पुराना बकाया है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई और जिलाधिकारी महोदया ने एसएसपी साहब ने बताया कि इसमें काफ़ी हमारा सहयोग करेंगे। साथ ही साथ जो बिजली चोरी होती है, खासकर रात के समय अवैध कटिया लगा के लोग एसी भी चलाते हैं और अन्य चीज़ों की चोरी मतलब माध्यम से बिजली की चोरी करते हैं, उस पर अंकुश लगाने की बात हुई है। पूर्व में भी काम हुए लेकिन एक अभियान के तौर पर अब यहाँ हम लोग काम करेंगे और इसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होगा, क्योंकि रात के समय हम लोग ऐसे ड्रोन का उपयोग करेंगे जो लोगों के जहाँ चोरी हो रही है उसका फोटो वीडियो बना के और उनके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे, इसमें हमें सहयोग मिलेगा। उसके अतिरिक्त यहाँ मीटर शंटिंग की बहुत शिकायत है, तो उसमें भी हम लोग काम बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। उसके अतिरिक्त जो नई योजना है रिवैम्प, उसमें यहाँ उसके तीन घटक हैं। एक घटक है लॉस रिडक्शन का, जिसमें जो केबल है जर्जर केबल उनको बदला जाएगा और जहाँ चोरी होती है वहाँ आर्मर्ड केबल भी हम लोग लगाएंगे जिससे लोग चोरी ना कर सकें, कटिया ना लगा सकें, इस पर बात हुई है। मॉडर्नाइजेशन बहुत सारे काम हैं जो यहाँ करीबन 270 करोड़ का भी दिया गया है, वो हम लोगों ने कहा है कि इसको और बढ़ाएंगे। इसमें जो हमारे अधिभारित क्षमता के ट्रांसफार्मर हैं उनको लिया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा वर्तमान में बिजली घर है उसको कैसे उसमें जो पावर ट्रांसफार्मर है उसको कैसे हम लोग बेहतर बिजली आपूर्ति कर सकें, उसके निर्देश दिए गए। बाकी ये भी निर्देश दिया गया कि कोई कभी भी आंधी तूफान आए कुछ आए तो उसमें तत्काल बिजली व्यवस्था हम लोग चाक चौबंद करें। कल कुछ समस्या आई थी यहाँ जालौन शहर में, मुझे बताया गया तत्काल मैंने जो ट्रांसफार्मर ट्रॉली है उसकी संख्या भी बढ़ाने के लिए कहा है और जितने हमारे मीडियम कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर हैं उनकी क्षमता वृद्धि के निर्देश दे दिए गए। हम लोग एक हफ्ते 10 दिन में उसको कर भी लेंगे, क्योंकि अगस्त सितंबर के समय भी जो अभी हम लोगों ने फेस किया है गर्मी पड़ती है और उस समय जितने हमारे ट्यूबवेल वो चलते हैं खेती की के लिए ट्यूबवेल ही उपयोग होता है, तो उसमें की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो हमारी लाइन है उसके आसपास के पेड़ छटाई के लिए जिलाधिकारी महोदय ने आश्वस्त किया कि वन विभाग का भी इसमें सहयोग लिया गया है। बहुत ही अच्छी मीटिंग रही और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग अपने राजस्व लक्ष्य को भी अचीव कर पाएंगे RC के माध्यम से और साथ ही साथ जो हमारी नई योजना चल रही है उसमें भी गुणवत्तापूर्वक काम करके बिजली व्यवस्था को बहुत ही चाक चौबंद करें। RC को लेकर बात हुई है, RC के उसके बाद जी RC को लेकर बात हुई है, जो मैंने बताया 940 करोड़ का जो एरियर है उसमें मैंने अनुरोध किया अपने अधिकारियों से, निर्देश दिया है और अनुरोध किया जिलाधिकारी महोदय से कि वो RC हम लोग जारी करेंगे और उसकी वसूली की कार्रवाई की।